Today we are going to discuss some differences between classical tragedy and comedy. After this discussion, we will be able to know about tragedy, comedy, to know about the differences in case of purposes and effects, hero, struggle, and method. Before going to start this discussion, please subscribe to my channel because it will motivate me to make more videos. Let's get started. ट्रेजी वर्सेस कॉमेडी। ट्रेजी और कॉमेडी लिटरेचर के दो मुख्य स्टाइल यानी जॉनर्स हैं। ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन हमें ओल्ड ग्रीस में मिलता है। इन सिंपल टर्म्स द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजी इज दैट द कॉमेडी इज अ ह्यूमरस स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग व्हाइल अ ट्रेजी इज अ सीरियस स्टोरी विद अ सैड एंडिंग। कि कॉमेडी का जो एंड है वो हैप्पी होता है और जो ट्रेजी है उसका एंड संजीदा होता है या सुर्दगी पे ख़त्म होती है ट्रेजी। बिफोर मूविंग इन टू एनालाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजी फर्दर वी विल पुट अ ग्लैंस ऑन दीज बोथ जॉनर्स स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट वन इज ट्रेजडी। अ ट्रेजडी इज अ स्टोरी विद अ सैड एंड डिप्रेसिंग एंडिंग। अ ट्रेजडी ऑलवेज डील विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हु इज लेड टू डाउनफॉल थ्रू हिज ओन वीकनेस। A successful tragedy has the ability to evoke pity and fear in the audience. In a tragedy, the protagonist's life goes from good to bad. A tragedy is a story with a sad and depressing ending. जो tragedy है उसमें जो इख्तिताम है वो हमेशा अफसुर्दगी पे होता है या परेशान कुन होता है। A tragedy always deals with an extraordinary person. जो tragedy होती है वो हमेशा एक गैर ममूली शख्सियत पर मुश्तमिल होती है। उस लेड टू डाउनफॉल थ्रू हिज ओन वीकनेस, जो अपनी ही किसी गलती की वजह डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। अ सक्सेसफुल ट्रेजडी हैज एबिलिटी टू इवोक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। जो एक कामयाब ट्रेजडी होती है उसमें ये काबिलियत होती है कि वो नाज़रीन में पिटी और फियर को जनरेट कर सके, उनमें पैदा कर सके। In a tragedy, the protagonist's life goes from good to bad. Tragedy में जो हीरो होता है उसकी जो जिंदगी होती है वो अच्छी से बुरी हो जाती है। Is that clear? So tragedy की जो examples हैं, we can see Hamlet by Shakespeare, Romeo Juliet by Shakespeare, and the tragical history of Dr. Faustus by Christopher Marlowe. ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजडी की। नेक्स्ट इज कॉमेडी। अ कॉमेडी इज अ स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग दैट मेक्स द ऑडियंस लाफ। अ सक्सेसफुल कॉमेडी नॉट ओनली हैज द एबिलिटी टू मेक द ऑडियंस हैप्पी एंड अम्यूज्ड बट कैन आल्सो मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड सोशल और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। अ कॉमेडी इज अ स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग। जो कॉमेडी होती है वो उसका इख्तिताम खुशी पर होता है या उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। दैट मेक्स द ऑडियंस लाफ, जो नाजरीन के लिए मुसरत का बायस होती है। सक्सेसफुल कॉमेडी नॉट ओनली हैज अबिलिटी टू मेक द ऑडियंस हैप्पी। जो कामयाब कॉमेडी होती है उसमें सिर्फ ये काबिलियत नहीं होती कि वो नाजरीन को खुश करे बट कैन आल्सो मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड सीरियस सोशल इंडिविजुअल प्रॉब्लम। लेकिन उसमें ये काबिलियत भी होती है कि वो नाजरीन को मुआशरे की जो संजीदा मसाइल है उनसे आगाह करवा सके। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस कॉमेडीज आर एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग, एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय शेक्सपियर। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल ट्रेजडी एंड कॉमेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ पर्पजेज एंड इफेक्ट्स। अब हम सबसे पहले पर्पजेज एंड इफेक्ट्स के लिहाज से ट्रेजडी को डिस्कस करेंगे। जो ट्रेजडी वो इंसानी मुसीबत पर जोर देता है, इसमें यानी इंसानी मुसीबतों को दिखाया जाता है
और इसका ट्रेजिडी इख्तिताम हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ होते हैं। हम सोचते हैं कि हीरो के साथ ऐसा हो गया कि उसने ये किया, लेकिन हम डिटर्मिनेशन अपने आप में पैदा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और जो ट्रेजिडी होती है वो संजीदगी के साथ आगे बढ़ती है। ट्रेजिडी में ये अबिलिटी होती है कि वो इमोशनल फीलिंग्स के साथ खेल सके, इमोशनल फीलिंग्स को इवोक कर सके ऑडियंस में, क्योंकि ये ट्रेजिडी देखने के बाद इसमें इसकी ये क्वालिटी होती है कि वो ऑडियंस में पीटी और फियर को पैदा कर सके। पीटी और फियर इस सेंस में कि ऑडियंस फील करने लगे कि जो हीरो है उसके साथ ये करने के बाद ऐसा हो गया तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। इसकी मिसाल एडिपस सेक्स में देखी जा सकती है। और इसमें इंसान की किस्मत पर अफसोस किया जाता है या मातम किया जाता है, और इसमें ह्यूब्रिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। ह्यूब्रिस क्या होता है? ह्यूब्रिस इज अनदर वर्ड फॉर प्राइड। जब प्राइड दूसरों को हर्ट करना शुरू कर दे तो ये ह्यूब्रिस बन जाता है। लिहाजा ट्रेजिडी में ह्यूब्रिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसमें किसी हद तक उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन इस बात पर जोर भी दिया जाता है कि इंसान की पावर महदूद है, वो एक हद तक कर सकता है और उस लिमिट के बाद वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब हम कॉमेडी में देखेंगे पर्पसेस एंड फैक्ट्स के लिहाज से कॉमेडी क्या है। सो कॉमेडी में इंसान की फितरत की तजवीज पर जोर दिया जाता है, यानी चेंज इन ह्यूमन नेचर। और इसमें इंसानी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स होता है, यानी रिडिकुलर आर्ट अब्जर्विटी वगैरह। और इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है लैक ऑफ गुड सेंस को। और इसमें ये सीनिसिज्म को सजेस्ट करता है, लेकिन इसके साथ उम्मीद की किरण भी दिखाई जाती है। सीनिसिज्म से क्या मुराद है? सीनिसिज्म एक ऐसा रवैया है जो दूसरों के मकासद पर बेएतमादी का इजहार करता है। और इसमें जो असिनिक पर्सन में हैव अ जनरल लैक ऑफ फेथ और होप इन ह्यूमन। सो जो कॉमेडी होती है वो सजेस्ट करती है सीनिसिज्म को, लेकिन इसके साथ उम्मीद की किरण भी दिखाई जाती है। द नेक्स्ट इज ट्रेजिक हीरो वर्सेस कॉमिक प्रोटैगनिस्ट ट्रेजेडी। इसमें सबसे पहले हीरो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन इसे तब्दील करने में बहुत देर हो चुकी होती है। यानी उसके जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उसको तब्दील कर सके। और इसमें जो हीरो होता है वो शूरी या फिर लाशूरी तौर पर अपनी गलती का इजहार करते हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी ह्यूब्रिस्टिक होता है। ह्यूब्रिस्टिक हम पहले जैसे पढ़ चुके हैं कि ह्यूब्रिस्टिक मीन्स प्राइड। Hubris is another word for pride. मजीद इसमें के जो ट्रेजिक हीरो है वो अपनी इंफरादियत को कायम रखने के लिए सोसाइटी या फिर कम्युनिटी से अलग हो जाता है, अपनी मर्जी से काम कर लेता है। एंड ही सफर्स फ्रॉम टेरिबल डाउनफॉल। अपनी किसी गलती की वजह से उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। जितना वो हासिल कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है। He aspires to more than he can achieve. अगर responsibility और status के लिहाज से देखा जाए तो उसको audience superior दिखाया जाता है। यानी a hero is a member of royalty. Tragedy में जो hero होता है वो एक अलग शख्सियत होती है, ताकि हम उसके लिए ज्यादा feel कर सकें। एक आम शख्सियत नहीं होती। Now we will move to comedy. तो कॉमेडी में मुकम्मल तौर पर जो हीरो होता है कॉमेडी का मुकम्मल तौर पर बेनकाब होने के बाद बेहतर फितरत का एहसास होता है उसे। ही ट्राइज टू ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट इन हिज लाइफ। लिहाजा वो अपनी जिंदगी को एक इस्लाही प्रोसेस में ही गुजार देता है। वो इंफ्रादियत को रिजेक्ट करते हुए अपने आप को सोसाइटी और कम्युनिटी में शामिल करते हैं, ताकि वो अपने आप को पहचान सके। खुद की तलाश में वो अपने आप को कम्युनिटी में शामिल करते हैं। इट हैज अ कॉमिक मैकेनिज्म। और इसमें वो मसावात को खोता है, लेकिन फिर रिकवर भी कर लेता है। जो अमूमन कॉमेडी का हीरो होता है वो लक की वजह से उसको कामयाबी मिलती है,
या फिर कभी कभी विट के इस्तेमाल से भी उसको कामयाबी मिल जाती है. He pretends to be more than what he is, but he is just like everyone else. वो ट्रेजी की तरह एक आला शख्सियत नहीं होता, बल्कि वो एक आम शख्सियत ही होता है. Now the next is tragic struggle versus comic struggle. So the first one is tragedy. Tragedy deals with serious, painful struggle. इसमें जो हीरो होते हैं उसकी जिंदगी मुश्किलात की गीत ही घूमती रहती है. जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उसको भी बदलने की कोशिश करता है, और इस चीज को बदलने की कोशिश में वो खुद को थका लेता है. एंड ही स्ट्रगल डोमिनेटेड बाई फेट. हकीकत या सच्चाई जब सबके सामने आती है तो हीरो को आइसोलेट कर देती है. जैसे ईडिपस सेक्स में एट द एंड वो अपने शहर से बाहर चला जाता है, और इसकी मिसाल हम ओथेलो में भी देख सकते हैं. द नेक्स्ट इज कॉमेडी. कॉमेडी डील्स विद लेस सीरियस एंड लेस पेनफुल स्ट्रगल, एंड इन दिस केस स्ट्रगल इज डोमिनेटेड बाय फॉर्चून. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ट्रू नेचर ही स्टार्ट्स टू फील कंफर्टेबल. कॉमेडी का जो हीरो होता है जब उसके ऊपर हकीकत आश्कार होती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देता है. इट जनरेट्स कम्फर्टिंग. इसमें फर्द और ग्रुप के दरमियान जहद को दिखाया जाता है, मिसाल के तौर पर मर्द और औरतों के दरमियान. लेकिन जबकि ट्रेजडी में किस्मत और इंसान के दरमियान जहद को दिखाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेजिक मैथड्स वर्सेस कॉमिक मैथड्स. द फर्स्ट वन इज ट्रेजडी. जो ट्रेजडी होती है उसमें कोहेरिंग एपिसोड होती है, यानी तमाम इवेंट्स बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं. इनका ये कोहेरिंग मेथड एक्शंस को क्लैरिफाई कर देता है, कुछ और ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं होती. यानी कि ट्रेजडी में इस तरह दास्तान को रिप्रेजेंट किया जाता है कि देखने से ही पूरी दास्तान समझ में आने लगती है. जो उसमें एक्टर्स होते हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एरिस्टोटल सेज के वो जो करेक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं उनका गेटअप ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो इसमें यूनिटी ऑफ प्लॉट होता है, पेरिपेटी होती है और डिस्कवरी होती है, और यही चीज़ें एक अच्छी ट्रेजडी को जन्म देती हैं. द नेक्स्ट इज कॉमेडी. कॉमेडी में जो प्लॉट होता है वो ज़्यादा पेचीदा होता है, एंड द प्लॉट इज फॉरवर्डेड बाय चांस डिस्कवरीज एंड एक्सीडेंटल इनकाउंटर्स. कॉमेडी हैज अ लाइट हैप्पी टोन. ट्रेजडी में जो प्लॉट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन कॉमेडी में ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता बल्कि कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो दैट्स द टुडेस डिस्कशन. If you like this video, please subscribe to this channel. It will motivate me to make more videos. Thank you.